Hey guys, welcome back to our channel. Sat Sri Akal ji saryan nu. This is Hammu and Mano Vlogs and after a long time main ise opening kar rahi hu. मैं हर व्लॉग में मुझे लगता है ऐसी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मैं हम लोग आजकल व्लॉग शूट कर लेते हैं एंड देन पोस्ट लेटर ऑन करती हूँ, सो इसलिए. और आज का व्लॉग भी शायद सब थोड़ी लेट ही देखोगे, थोड़ी पता नहीं कितनी लेट देखोगे, बट लेट देखोगे क्योंकि ये व्लॉग है बाय बाय पूनम का, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड पूनम, जो कि फर्स्ट क्लास से रहा मेरे साथ. फर्स्ट क्लास से हम लोग 12th क्लास तक सेम स्कूल में रहे हैं, साथ में रहे हैं और दोस्त रहे हैं. मतलब बहुत मुश्किल है, मेरे को कोई भी ऐसा दोस्त याद नहीं है जो कि मेरे से फर्स्ट से 12th तक कांस्टेंट हो, सिवाय पूनम के. और उसके बाद भी हमारी 12th को ख़त्म हुए भी आई थिंक 5-6 साल हो रहे होंगे, 6-7 साल हो रहे होंगे शायद, और अभी भी टच वुड वी आर स्टिल फ्रेंड्स. उससे ज़्यादा सिंपल लड़की कोई नहीं है और मेरे से ज़्यादा चटक लड़की कोई नहीं है उसकी लाइफ में. तो मेरी लाइफ में सबसे सिंपल और उसकी लाइफ में सबसे चटक मैं हूँ. तो पूनम जा रही है लंदन. ये बोलने में जितना सिंपल लग रहा है ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज पूनम इज़ अ पर्सन जो कि अपने घर से भी बाहर नहीं निकली है. अगर मैं उसको घर से बाहर भी बोलूँ तो वो मतलब वो मैं जैसे उसके घर के बाहर तक जाती थी तो वो बाहर भी नहीं आती थी. मतलब वो बोलती थी यार ढूंढ के आ जाए, या फिर मैं भाई को भेजती थी. वो इतनी नाइव और इतनी, मेरे को रोना आ रहा है ये बोलते हुए, अभी तक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, पता नहीं मुझे नॉट रोना क्यों आ रहा है. वो इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट. उसके व्हाट्सएप मैंने एक बार खोला, घर आई थी मेरे 3-4 साल पहले की बात है, मैं उसको व्हाट्सएप खोला तो उसके व्हाट्सएप में 4 कॉन्टैक्ट थे, लिटरली 4, एक मम्मी, एक पापा, हर्ष और मैं. मतलब मुझे ऐसा एकदम से धक्का लगा, मैं कहा भाई, मैं कहा 400 कॉन्टैक्ट्स वाली लड़की और ये 4. स्कूल में तो चलो, स्कूल में तो आप एक दूसरे को, मतलब फ़ोन वोन नहीं थे ना हमारे टाइम में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल वो बात कर रही हूँ. फोन्स पे 8th 9th के बाद हम लोग बात करने लगे, तो उससे पहले तो स्कूल में मिलते थे वो सब कुछ. और मेरी और पूनम की फ्रेंडशिप ऐसी जिसमें कि मतलब लिटरली नो फिल्टर है, उसके सामने मुझे कुछ नाटक नहीं करना पड़ता, मैं बिल्कुल मैं हूँ. क्योंकि उसने मुझे अपने गंदे से 2 चोटी वाले बालों में देखा होगा, गंदी सी यूनिफॉर्म में देखा होगा, देखा हुआ है, देखा होगा नहीं, मेरे सबसे गंदे मार्क्स जब आए होंगे उससे मुझे तब देखा हुआ है. मैंने जब शायद से टॉप भी किया होगा तब देखा हुआ है, एज अ मॉनिटर देखा हुआ है, मेरे लोएस्ट में देखा हुआ है, बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप देखा हुआ है, पैचअप देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है उसने मेरा. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये जवानी है दीवानी का कोई वो दे रही हूँ, स्पीच दे रही हूँ. और मुझे पता नहीं वो मुझे पोस्ट करने भी देगी कि नहीं करने देगी, क्योंकि उसको शो ऑफ बिल्कुल नहीं पसंद है, बट मेरे को शो ऑफ बिल्कुल पसंद है. भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड लंदन जा रही है, वो भी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, ऐसे पढ़ने जा रही है एज अ डॉक्टर स्कॉलरशिप पे. तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होगा. पूनम मेरी प्यारी सी बेटी है, क्योंकि वो इतनी साऊ है भाई, वो इतनी साऊ है, वो इतनी डम है, उसको पता नहीं भाई, पता नहीं. और अभी वो कैब से आ रही है मेरे घर, पता नहीं पहुंच भी पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, पता नहीं लंदन कैसे ही जाएगी. अब वो जब आएगी तब मैं आपको उससे मिलवाऊंगी. पूनम अभी तक मेरे व्लॉग्स में नहीं आई है, हाँ नहीं आई है, बिकॉज हम कोविड के बाद से मिले तो हैं बट आई नेवर व्लॉग्ड. मुझे याद भी नहीं मिले हम गए, वो उसको नहीं पसंद, वो कैमरे सामने आती नहीं है, वो ऐसे मेरे को फोटो खींचेगी सब कुछ खींचेगी, वो आती नहीं है सामने. अभी भी वो नहीं, वो बोलते हैं तूने कैमरा खोला तो वो मार दूंगी, बट मैं करूंगी व्लॉग, मैं तो करूंगी. तो जितने भी स्कूल वाले देख रहे हो कंग्रेचुलेट कर सकते हो. पूनम तक तो शायद नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि वो कहीं भी नहीं है सोशल मीडिया पे, मुझे कंग्रेचुलेशंस कर देना, मैं उसके तक पहुंचा दूंगी. और अभी आ रही है पूनम, फिर मैं उससे मिलती हूँ. और लिटरली मतलब वो इतनी, मैं गाली भी दूंगी ना इसमें, इतनी कमी नहीं है ना, मुझे रात को मैसेज कर रही है कल मैं आऊंगी 10 मिनट के लिए, परसों मेरी फ्लाइट है, इतनी ज़्यादा खराब है. और मतलब ऐसी वाली फ्रेंडशिप है, कोई वो नहीं है, नाटक नहीं है. मैं भी उसके लिए कोई कुछ गिफ्ट नहीं लाई हूँ, कुछ नहीं लाई हूँ, क्यों लाऊं भाई, कुछ नहीं लाई हूँ मैं, मेरा प्यार उसके साथ हमेशा है. बट हाँ, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है पूनम वहाँ से मिले लुई वुइटन लाएगी, चाहे उसको कितना भी काम करके लाना पड़े, पता नहीं वहाँ पर जाके काम तो पता नहीं, रोटी खा ले बहुत बड़ी बात है. सो गाइज, अब जब पूनम आ गया तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ. 4 मिनट की बकबक कर चुकी हूँ मैं, बाय. सो गाइज, मुझे लिटरली हो गया है, मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं इंट्रो फिल्म करे हुए, जो कि वो आ रही थी और अभी तक पहुंची नहीं है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर. होता है लास्ट मिनट बहुत सारे काम होता है, अंडरस्टैंड. तो अभी बस वेट कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं वेट करते करते क्या क्या कर रही हूँ, बिकॉज मेरी शिफ्ट भी है रात की. तो मैं जो केक वगैरह लाई सब कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, सब कुछ रख रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कुछ. चलो. सो गाइज, ये पीनट्स, बिस्किट्स, विस्किट्स डाल लिए हैं, कॉफ़ी बन रही है, और केक, ये ड्राई केक लाई हूँ मैं, सेफेस्ट ऑप्शन.
बिकॉज उसने ट्रैवल करना है कल, तो इसलिए मैं कुछ भी चांस लेना चाहती थी. मम्मी ने बोला ये बेस्ट रहेगा. गाय के लिए आई हूँ, उसको इस पर रख के अभी रेडी कर लेती हूँ और आप देखते रहो. गाइस ये मुझे एज ऑलवेज व्लॉग नहीं करने दे रही है, पर मैं करूंगी, मैं शो ऑफ करूंगी. ये शायद से आप एक आधे महीने बाद देख रहे हो. ये तो शीशे में दिख रही है, ये दिख रही है मोटी सी है, देखो गाइस ठीक है. तू बहुत बता रहा है, तुम मना किया मत. और भाई इस बंदे ने को 4 घंटे वेट कराया सुबह से, एक्चुअली जब से उठी मैं इसीलिए उठी थी. मैं सुबह से घूम रही, मैं घर जा रही हूं सुबह से. पता है तुझे कैसा लगा तू लंदन जा रही है? मुझे नहीं पता, मेरी शादी में आएगी? नहीं, शादी में नहीं आऊंगी मैं। मैंने इसको बोला, और मैंने बोला तब तुम्हें शादी में नहीं करती, तुमको बोल देता पहले शादी कर ले. मतलब मैं इसके लिए अपने भाव के 10-20 लाख लगवा दूं कि चलो पूरा नहीं जाना, मैं शादी पहले कर लूं. पूनम बता मैं तेरी कितनी बेस्ट फ्रेंड हूँ. तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसकी जिंदगी में कोई और नहीं है. कोई और नहीं है, सच में नहीं है, मेरी लाइफ में कोई. अगर हम मुंह ना तो तेरी शादी मेरे से करती. क्यों बोल दे? हाँ बोल दे, हाँ बोल ना. तो गाइस जब तक ये आएगी मैं इसके लिए यहाँ पे कोई बहुत अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ के रखूंगी. और ये आते पहले मेरे दांतों का ऑपरेशन करेगी. करेगी ना मेरी आई साइड की बनेगी. तू दांत बोले, दादू बोल, दांत दादू अगर ऑपरेशन करेगी. ये मेरी सस्ती डॉक्टर है गाइस. अच्छा इसे गाय नहीं करनी तो तू देन जस्ट अफर्म फॉर द थिंग व्हिच यू वांट. हैप्पी बर्थडे यू, कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस. ओए लंदन ठुमक दे पे डांस कर सकते हैं हम. वाओ या लो लंदन ठुमक दे. मतलब मैं अब व्लॉग नहीं करूंगी, मेरे को बस इसके साथ टाइम एंजॉय करना है. मेरे कुत्ते वैसे भी चुप नहीं हो रहा कि मैं कुछ व्लॉग करूं, तो मैं आपको मिलूंगी बाद में. ठीक है बाय. चलो ऐसे भी जा रही है, मुझे बहुत रोना आ रही है, पर मैं रोऊंगी नहीं. अंकल पीछे तो नहीं है, इधर है क्या? इधर ही होंगे. हम कहाँ से आए थे? हम इधर से. चल पीछे चल. हाँ जहाँ से वो छोड़ के गए थे शायद. हाँ. गाइस अंकल कहाँ है? गाइस जा रही है ये पुपड़ू.